this is Premchand, and I have secured rank 56th in 65th BPSC 2019. खास करके इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में मेरा चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो पैनल मेंबर्स थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिला था। खास कर करके वहाँ पे जो एक्स मेंबर थे बीपीएससी के, और एक हमारे कॉलेज के एलुमनाई थे, और एक और सर थे साइंस एंड टेक फैकल्टी के। सबसे खास बात मुझे लगा उस मॉक इंटरव्यू में वो ये था कि जो बोर्ड मेंबर्स थे उनके, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंफर्टेबल महसूस कराए थे, जैसा कि बीपीएससी इंटरव्यू में होता है। वो इंटिमिडेट नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को इम्पोज नहीं कर रहे थे, और हमको अपना बेस्ट देने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे। ये चीज़ जो है, ये चाणक्य का जो मॉक इंटरव्यू का पैनल है, ये स्टैंड आउट करता है इस मामले में काफ़ी बाकी सारे के मुताबिक हिसाब से। यहाँ पे ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छा लगा था। और ये चीज़ हमको है, होता क्या है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप काफ़ी नर्वस होते हैं। अगर आप किसी ऐसा मतलब कि बोर्ड मेंबर या पैनल के सामने आ गए जो आपको और भी ज़्यादा डिस्करेज कर दे या डीमोटिवेट कर दे, वो काफ़ी मतलब आपके ऊपर वो असर डाल देता है। अगर इंटरव्यू के पहले एक ऐसा पैनल मेंबर हो जो आपको इनकरेज करे, जो कह सके कि या यू कैन डू इट, यू कैन डू, इवन दो यू नो कि यू कैन डू इट, स्टिल यू नीड समवन टू टेल यू या यू कैन डू इट। कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपको वैलिडेट करे कि हाँ तुम कर सकते, और ये वहाँ के बोर्ड मेंबर में ये हमको देखने को मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, वंस अगेन आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर हेल्पिंग मी आउट। उस समय व्हेन आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू एंड आई वाज वेरी नर्वस, वंस अगेन थैंक्स टू देम। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.